हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 48। बेटा देखिए, इसमें हमें दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या बताइए। वर्ग क्या होते हैं? स्क्वायर्स, जिनकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए, इसमें काउंट करेंगे, चार तो छोटे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और एक बड़ा है ना, तो कितने हो गए, 5। आप इसको नहीं लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, तो वर्ग कितने हैं इसमें, 5। ऐसे आप सब में गिनेंगे, 1 2 3 4, तो ये बड़े हैं, विचार ये छोटे भी हो गए, फिर एक सबसे बड़ा, तो यहाँ पे टोटल आपके पास आ गया 10। ऐसे ही काउंट करके सारे लिखेंगे। नेक्स्ट है, आकृतियों का नाम बताइए। चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बेटा, तो उसे हम रोम्बस कहते हैं या समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं समान हो तो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का कोण हो हर एक कोण, तो ऐसा चतुर्भुज रायत कहलाता है बेटा, या रेक्टेंगल है ना। और जिसकी सभी भुजाएं बराबर भी हैं और सारे कोण 90 डिग्री के भी हैं, वो वर्ग है या स्क्वायर। इसकी शेप्स भी देखिए इस तरीके की होती हैं। ये देखिए, ये रोम्बस है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं बेटा, लेकिन इसके हर एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोण सारे 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे वर्ग में और रोम्बस में क्या फ़र्क है? इसमें वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। सही या गलत बताइए, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं? यस, क्योंकि आयत की क्या कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो वर्ग में तो चारों ही होती हैं, तो ये ठीक है बात। सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, वर्ग नहीं हो सकते, कि वर्ग के लिए चारों भुजाओं का बराबर होना जरूरी होता है, जबकि आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये गलत हो गया। आयत एक विशेष समांतर चतुर्भुज है, ये ठीक है। वर्ग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे की सुई आपको पता है छोटी सुई होती है, और यहाँ तक एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा करते करते 12 घंटे में ये पूरा 360 डिग्री का कोण इस पॉइंट पर बना लेती है ना। 12 घंटे बाद ये वापस आएगी ना इधर, तो इसका मतलब 12 घंटे में इसने 360 डिग्री का कोण बनाया। इसे हम लिख लेंगे, घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो हमसे एक घंटे का पूछा जा रहा है, तो 12 से भाग कर देंगे हम, कम के लिए भाग करते हैं ना, तो भाग करके आपके पास आंसर आ गया 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि एक से लेकर अगर दो तक आती है घंटे की सुई, तो इस बीच में ये एक 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट की सुई के लिए। अब मिनट की सुई कितने मिनट में राउंड पूरा करती है? 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट में पूरा राउंड लेके 12 पर वापस आ जाती है, या किसी भी नंबर पर वापस आ जाती है। इसका मतलब अब हम लिखेंगे, मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो पहले हम एक मिनट का निकाल लेते हैं, एक मिनट के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो 60 एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया इसने, 60 से भाग करके 6 डिग्री का। अब हमसे पूछा जा रहा है 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो ज़्यादा के लिए अब आप गुणा कर देंगे 6 को 5 से, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बेटा, हमें ये सब बातें टिप्स पर आनी चाहिए। आपकी कक्षा जिसमें आप बैठे हैं उसमें कितनी सतह है? सतह मतलब कितने तल हैं बेटा, तो आप उसे काउंट करिए। देखिए, एक तो जमीन का है ना बेस हो गई, एक छत हो गई, दो आसपास की दीवारें, चारों दीवारों को काउंट करेंगे तो 4, तो टोटल कितनी सतह हो गई, 6। कोने देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वर्टेक्स 8 है, और किनारे जो लाइनें होती हैं उसको जब आप काउंट करेंगे 12। हम इसके प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने घर की अलमारी, पुस्तक और अपना ज्योमेट्री बॉक्स के शीर्ष, फलक और किनारे गिनकर। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।